रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी और सीओ सिटी वंदना सिंह और शहर कोतवाल संजय त्यागी ने आज ताजिया जिस रोड से निकलना है उस रोड का भ्रमण करते हुए ताजियादारों से बात भी की और कहा कि जब तक ताजिया कर्बला नहीं पहुंच जाएगी प्रशासन के द्वारा पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा जिससे अराजक तत्वों पर नजर रखी जा सके। वहीं सीओ सिटी ने कहा कि हमेशा मुहर्रम का त्यौहार रायबरेली जनपद में शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ है और इस बार भी शांतिपूर्ण रूप से संपन्न होगा। सीओ सिटी वंदना सिंह ने कहा कि आप लोग अपना त्यौहार करें, रायबरेली प्रशासन आपके साथ है। यहाँ का शहर अध्यक्ष ताजियादार सुन्नत जमात कमेटी का हूँ। मेरा नाम इमाम अली, मैं तिलिया कोट हुसैनी इमामबाड़े का मुठबंदी भी। अच्छा, ताजियादारी को लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? साहब, रास्ते की व्यवस्था प्रशासन कर रही, नगर पालिका द्वारा बनवाया जा रहा। हर रोड हमारी जो है लगभग सही है, कभी भी रोड बदला नहीं गया। ये मेरा अपना 25-30 बरस का अनुभव है, जो हमारा रूट कभी नहीं बदला गया। कभी कभी दशहरा और मुहर्रम एक साथ पड़ा है, फिर भी हम लोगों ने दोनों मिल के, हिंदू मुस्लिम भाई मिल के, इस जुलूस को हम लोग बाखूबी उसको निभा लेते हैं। कहीं कोई भाईचारे में कमी नहीं आई है। देखिए, मुहर्रम का त्यौहार शुरू हो चुका है, पूरी हमारी तैयारी है, सभी रूट्स का भ्रमण कर लिया गया है, सभी थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी की मीटिंग हो गई है। जहाँ कहीं छोटी मोटी समस्याएं थी उनका समाधान कराया गया है, कुछ का कराया जा रहा है, कहीं कोई व्यवधान नहीं है और सभी जुलूसों में, कार्यक्रम स्थल पे, करबला पे, सब जगह पर फोर्स डिप्लॉय रहेगा। त्यौहार की पूरी तैयारी है। हिंदी अंग्रेजी माध्यम प्री नर्सरी से कक्षा 5 तक BKS कॉन्वेंट स्कूल, सर्वोत्तम किड्स केयर, स्वाभिमानपुरम, तुलसीपुर रोड, बलरामपुर। मोबाइल नंबर 9415036020। हमारी विशेषताएं खेल की आधुनिक तकनीकों द्वारा कंप्यूटर पर ध्वनि व चित्र, ऑडियो, वीडियो, शैक्षणिक खेल के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से सर्वोत्तम शिक्षण व्यवस्था, इन्वर्टर, जनरेटर एवं कैंट RO के पेयजल की व्यवस्था, प्रबंधक मृदुला सिंह, सह प्रबंधक अभिषेक प्रताप राष्ट्रहित। लैपटॉप का जमाना है, बस्ते का वजन घटाना है, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।